एस्टो मीरा 2020 मॉडल है, एस्टो मूव कस्टम। निसान डेस 2013 मॉडल है, सुजुकी स्विफ्ट 2021 मॉडल है, सुजुकी वेगनार 2014 मॉडल है, 14 मॉडल पासो 2015 मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में आपको जो है ना बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाने लगा हूँ, जिसमें पाकिस्तानी और जापानी दोनों गाड़ी होगी यूज़ में, और कुछ अभी फ्रेश इंपोर्ट हो की आई है, और इसके अलावा और भी जो है ना गाड़ियाँ आ रही है टोक्यो मोटर से, फ्रेश इंपोर्ट हो की आ रही है। अभी अभी मैंने लिस्ट देखी, तकरीबन कोई 12-13 गाड़ियाँ और हैं जो आज वो कह रहे हैं कि आज रात को जो है ना कराची से चलेगी और फिर जब पहुँचेंगी तो आपको इंशाल्लाह वो वीडियो पे लेकर आऊँगा, उनकी वीडियो पे आपके लिए लेकर आऊँगा। अब जो है ना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी और कितनी गाड़ियाँ, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको जो है ना अगर आप भी गाड़ी ढूँढ रहे हैं तो आपके लिए भी जो है ना कोई इसमें गाड़ी अवेलेबल हो शायद। तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं, मैं आपको जो है ना वैसे दिखा देता हूँ, वीड्स है पाकिस्तानी जापानी सारे, ये टोयोटा एक्सियो, ये सारे आगे तक तोड़ो तोड़ो आग से लेकर जो है ना मर्सिडीज वेगनार और ये सारी गाड़ी। इसको आपको जो है ना अब प्रॉपर डिटेल रिव्यू दूंगा, ठीक है, कि गाड़ी में गाड़ी का मॉडल कौन सा है, गाड़ी की जो है ना कब इम्पोर्ट होके आई है, और गाड़ी की क्या डिमांड है, और इसके अलावा गाड़ी की जो है ना कंडीशन कैसी, कि गाड़ी में टचिंग वगैरह है कि नहीं। अब चलते हैं इरफानुल्लाह भाई के पास और उससे मालूम करते हैं कि जो है ना क्या कितने इसमें टचिंग और साइज वगैरह मॉडल शेयर करो। सुजुकी वेगनार 2014 मॉडल है, और इसके मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, अलाइव इसमें इंस्टॉल है। अगर टायर की कंडीशन की बात की जाए तो नॉर्मल है, इतनी है ना 80% आप कह सकते हैं। बाकी आपको मैं इसका बैक से इंटीरियर दिखा देता हूँ, और ये कुछ इसका बैक से इंटीरियर। अच्छा, फ्रंट इंटीरियर की बात करें तो ये कुछ इसका जो है ना फ्रंट से इंटीरियर, साफ़ सुथरा इंटीरियर है 2014 मॉडल के हिसाब से, बहुत अच्छा इंटीरियर है। आपको जो है ना स्क्रीन आपको इसमें इंस्टॉल मिल जाएगी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और फ्रंट से भी इसको आपको जो है ना दिखा देता हूँ कि फ्रंट से इसकी लुक कैसी है। ये फ्रंट से इसका लुक ओके, आप देख सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो 23 लाख डिमांड की जा रही है। दूसरी गाड़ी की तरफ आते हैं तो सुजुकी स्विफ्ट 2021 मॉडल है, अगर इसकी डिमांड की बात की जाए तो 32.5 लाख डिमांड की जा रही है टोक्यो मोटर पे। बाकी अलाउज आपको इसमें इंस्टॉल मिल जाएगी। अगर टायर की कंडीशन की बात की जाए तो टायर की कंडीशन अच्छी है। इसके अलावा आपको जो है ना ये इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है। फ्रंट की तरफ आते हैं तो ये कुछ इसका फ्रंट से लुक, आपको सिंपल जो है ना बम्पर आपको जो है ना इसमें फोक इंस्टॉल मिल जाएंगे, सेंटर में सुजुकी का लोगो, और ये जो है ना यहाँ से जो है ना इसको डैमेज है। बाकी चेक करते हैं इंटीरियर तो लॉक है। अंदर से अगर इंटीरियर की कंडीशन की बात की जाए तो 2021 मॉडल है, कंडीशन तो साफ ही मिलने वाली है। या और ये कुछ इसका बैग से लुक, ठीक है, बैग्स में भी जो है ना इतना अच्छा है, इतना बुरा माड़ा नहीं कह सकते। और ये साइड तो बिल्कुल जो है ना इसकी साफ और मज़े की है। दूसरी गाड़ी की तरफ आते हैं तो निसान डेस 2013 मॉडल है, अगर प्रायर डिमांड की बात की जाए तो 23 लाख डिमांड की जा रही है। बाकी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, इसमें भी आपको जो है ना अलॉय व्हील्स आपको इंस्टॉल मिल जाएगा। टायर की कंडीशन की बात की तो टायर की कंडीशन भी अच्छी है। बाकी फ्रंट लुक, ये कुछ इसका फ्रंट से लुक, प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प मिल जाएंगे, नीचे आपको जो है ना फुल बम्पर में आपको फोक लैम्प भी मिल जाएंगे। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है निसान के लोगो। और दूसरी साइड पे आते हैं तो ये कुछ इसका दूसरे साइड। बाकी ये अगर फ्यूलेज की बात करें तो फ्यूलेज इनकी निसान की बहुत अच्छी। बाकी इसके जो है ना लॉक है, इसके इंटीरियर भी दिखा देता, लेकिन अगर इंटीरियर कंडीशन की बात की जाए तो अच्छी कंडीशन है इंटीरियर की। और ये कुछ इसका बैक से लुक, निसान बैक पे आपको वाइपर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डीआर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और
स्पॉयलर भी आपको बैक में मिल जाएंगे, और कुछ इसका दूसरे साइड की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। तीसरे गाड़ी की तरफ चलते हैं। अध्यास्तो मीरा 2020 मॉडल है, तो इसके अभी फ्रेश इंपोर्ट हो कि एक हफ्ता पहले इसका मैंने डिटेल रिव्यू भी किया, अगर आपने वो नहीं तो वो अभी आप जाके देख सकते हैं। इसका अगर डिमांड की बात की जाए तो 37 लाख डिमांड की जा रही है, और ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है बकोल ओनर के, ठीक है। फ्रंट में आपको सिंपल सा जो है ना, आपको अगर इसकी हेडलैम्प की बात की जाए तो सिंपल आपको इसमें हैलोजन बल्ब दिए गए, बैक फ्रंट पर आपको जो है ना पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और ये कुछ इसका दूसरे साइड की लुक। इसमें आपको सिंपल स्टील व्हील दिए गए, अलॉय व्हील इसमें नहीं दिए गए, ठीक है। अगर मिरर की कंडीशन की बात की जाए तो मिरर की क्वालिटी जो है ना अच्छी है, बाकी जो है ना इसका मैंने डिटेल रिव्यू किया है वो भी आप जाके देख सकते हैं। और एक कुछ इसका बैक से लुक। पांचवी गाड़ी की तरफ आते हैं, दियास्तो मूव कस्टम, बहुत प्यारी गाड़ी है, अच्छी खुली, और इसका भी मैंने डिटेल रिव्यू किए है। 2020 मॉडल है, थे इसके फ्रेंच इम्पोर्ट होके आई है। अगर इसकी डिमांड की बात की जाए तो ये भी 37 लाख डिमांड की जा रही है। सिंपल आपको इसमें स्टील व्हील दिए गए, ठीक है, और बाकी जो है ना यहाँ से हल्की फुल्की खराश इतना तो होता है, इतना तो चलता है भाई, इंपोर्ट हो कि ये तो इतना तो। अब बाकी ये कुछ है ना बैक से लुक, डुअल टोन में इसका इंटीरियर है, और काफ़ी खुली डुली गाड़ी है, आप स्पेस देख सकते हैं। फ्रंट की तरफ आते हैं तो ये कुछ इसका फ्रंट इंटीरियर, ठीक है, डुअल टोन में है, और काफ़ी जो है ना अच्छी साफ़ सुथरा कंडीशन है, खुली डुली गाड़ी। आपको दो आधे एयर बैग मिल जाएंगे। फ्रंट लुक में आपको दिखाता हूँ, रिट्रैक्टेबल ओरियम, और ये भी आपको जो है ना फ्रंट से आपको इसका लुक काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन इसमें भी सिंपल हलोजन दिए गए, हलोजन बल्ब दिए गए, ठीक है। बाकी इतना कुछ इसका अब फीचर वगैरह इसमें इतने नहीं दिए गए, सिंपल ट्रैक्शन कंट्रोल और रडार सिस्टम तो इसमें हर जापानी गाड़ी में आते हैं। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं, पासो 2015 मॉडल है, और 29.5 लाख डिमांड की जा रही है। बाकी आपको जो है ना फॉग लॉकिंग स्टार में गई, इस्लामाबाद का रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे जो है ना लाइट में पानी किया हुआ है साइड में। दूसरी तरफ जो है ना कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, लाइव आपको स्टार में जाएंगे, टायर की कंडीशन भी अच्छी है, और ये कुछ जो है ना दूसरी साइड के प्रोफाइल स्मार्ट एंट्री सिस्टम, लेकिन गाड़ी लॉक है भाई, कहते कोई मजाक से ब्रांड न्यू अलॉय व्हील्स में लगे, टायर की कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और ये कुछ इसका बैक से लुक। सुजुकी आल्टो 4.5 ग्रेड की ये गाड़ी है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है, और 14 मॉडल है। प्राइस की बात की जाए तो 23.5 लाख डिमांड की जा रही है, ठीक है। अलॉय व्हील्स इसमें आपको शामिल मिल जाएगी, टायर की कंडीशन जो है ना 90% आपको टायर की कंडीशन मिल जाएंगे, कुछ साइड प्रोफाइल लॉक है गाड़ी भाई, ठीक है, और कुछ गाड़ी लॉक है, कुछ चाबी वगैरह की है। तो काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ लेकिन आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैंने कहा आज जो है ना बना लूँ। और कुछ इसका बैक से लुक, इस्लामाबाद का रजिस्टर्ड है, आल्टो इको एडल, और दूसरे साइड का प्रोफाइल खैबर 92 मॉडल है, 5.5 लाख डिमांड की जा रही है। दूसरी तरफ आते हैं तो ये कोरे, और ये कोरे 11 मॉडल है, अगर प्राइस की बात की जाए तो 12 लाख डिमांड की जा रही है टोक्यो मॉडल पे। तो बस ये थी कुछ गाड़ियाँ जो कि मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, और इस तरह इंशाल्लाह आपके लिए गाड़ियाँ लेकर आता रहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा जो जो गाड़ी है वो आपके लिए बना लूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो है गाड़ी वीडियो लेकर आता हूँ प्रॉपर डिटेल हुए, तो मैंने प्रोडक्ट शॉर्ट कर वीडियो बनाई आपके लिए। फिर अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसमें आपको प्राइस मॉडल वगैरह भी जो है ना साथ में मैंशन कर दूंगा। अगर किसने बाय करनी है तो कॉन्टैक्ट आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं टोक्यो मोटर जेट मार्केट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।